इस्तिस्ना और उसका दसवां बाब जो 22 आयात पर मुश्तमिल है। उस वक्त खुदावंद ने मुझसे कहा कि पहली लोहों की मानिंद पत्थर की दो और लोहें तराश ले और मेरे पास पहाड़ पर आ जा और एक 24 संदूक भी बना ले और जो बातें पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला लिखी थीं वही मैं इन लोहों पर भी लिख दूंगा। फिर तू इनको उस संदूक में धर देना। सो मैंने कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाया और पहली लोहों की मानिंद पत्थर की दो लोहें तराश लीं और उन दोनों लोहों को अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। और जो 10 हुक्म खुदावंद ने मजमे के दिन पहाड़ पर आग के बीच में से तुमको दिए थे उन्हीं को पहली तहरीर के मुताबिक उसने इन लोहों पर लिख दिया। फिर इनको खुदावंद ने मेरे सुपुर्द किया। तब मैं पहाड़ से लौट कर नीचे आया और इन लोहों को उस संदूक में जो मैंने बनाया था धर दिया और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने मुझे दिया था वो वहीं रखी हुई है। फिर बनी इसराइल बैरूत बनी याकान से रवाना होकर मोसीरा में आए। वहां हारून ने रहलत की और दफन भी हुआ और उसका बेटा अलीअज़र कहानत के मनसब पर मुकरर होकर उसकी जगह खिदमत करने लगा। वहां से वो जुद जूदा को और जुद जूदा से युतबात को चले। इस मुल्क में पानी की नदियां हैं। उसी मौके पर खुदावंद ने लावी के कबीले को इस गर्ज से अलग किया कि वो खुदावंद के अहद के संदूक को उठाया करे और खुदावंद के हजूर खड़ा होकर उसकी खिदमत को अंजाम दे और उसके नाम से बरकत दिया करे जैसा आज तक होता है। इसीलिए लावी को कोई हिस्सा या मीरास उसके भाइयों के साथ नहीं मिली क्योंकि खुदावंद उसकी मीरास है जैसा खुद खुदावंद तेरे खुदा ने उससे कहा है। और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर ठहरा रहा और इस दफा भी खुदावंद ने मेरी सुनी और ना चाहा कि तुझको हलाक करे। फिर खुदावंद ने मुझसे कहा उठ और इन लोगों के आगे रवाना हो ताकि ये उस मुल्क पर जाकर कब्जा कर लें जिसे उनको देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी। बस ए इसराइल खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। और खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं तुझको आज बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। देख आसमान और आसमानों का आसमान और ज़मीन और जो कुछ ज़मीन में है ये सब खुदावंद तेरे खुदा ही का है। तो भी खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खुश होकर उनसे मोहब्बत की और उनके बाद उनकी औलाद को यानी तुमको सब कौमों में से बरगुजीदा किया जैसा आज के दिन जाहिर है। इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दन कश ना रहो क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह खुदावंदों का खुदावंद है। वो बुजुर्गवार और कादिर और मुहीब खुदा है जो रू रियायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है। वो यतीमों और बेवाओं का इंसाफ करता है और परदेसी से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उससे खाना और कपड़ा देता है। सो तुम परदेसियों से मोहब्बत रखना क्योंकि तुम भी मुल्के मिस्र में परदेसी थे। तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना उसकी बंदगी करना और उससे लिपटे रहना और उसी के नाम की कसम खाना। वही तेरी हमद का सजावार है और वही तेरा खुदा है जिसने तेरे लिए वो बड़े और होलनाक काम किए जिनको तूने अपनी आँखों से देखा। तेरे बाप दादा जब मिस्र में थे तो 70 आदमी थे पर अब खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बढ़ाकर आसमान के सितारों की मानिंद कर दिया है।